अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जमानत दरखास्त को स्वीकार करके कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है। ऐसा कोई पायल जी ने अपराध नहीं किया था जो ऐसी उनको डिटेंशन करने की आवश्यकता हो। पायल जी की ओर से पूर्व में भी एक जमानत आवेदन अग्रिम जमानत के लिए पेश किया गया था, किंतु उन सब की वेट नहीं करते हुए उनको अनावश्यक रूप से किसी दबाव में गिरफ्तार किया गया। न्यायालय पे आस्था के साथ न्यायालय ने हमारे आज स्वीकार करें। कितना मुचलका वगैरह? 50,000 की जानकारी, डिटेल ऑर्डर होना बाकी है, पर मेरी जानकारी 50,000 का मुचलका और 25,000 के दो श्योरिटीज पेश कर रहे हैं जो हम लोअर कोर्ट में अभी तुरंत पेश कर रहे हैं। आज शाम तक छूट जाएंगे? बिल्कुल छूट जाएंगे। रिलीज पायल रोहतगी के मामले में आज जो जमानत प्रार्थना पत्र पायल के एडवोकेट के द्वारा पेश किया गया, उसमें मुख्य आधार ये रहा कि जवाहरलाल नेहरू के जो पीए थे उनकी तरफ से एक किताब लिखी गई थी। उस किताब के अंश को ही मुलजिमा पायल रोहतगी ने फेसबुक पर डाउनलोड किया है। उसका कोई व्यक्तिगत कोई कारण नहीं था, खुद का पर्सनल लिखने का भी। इसके विरोध में मैं लोक अभियोजक ने यह विरोध किया गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके परिवार उनकी पत्नी के ऊपर जिस तरह से व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं, वो जो किताब है उस किताब पर ही गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगाया गया है। और इस तरह की संविधान में कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस तक का लाभ दिया जाए कि उसके और उसके परिवार के तहत उसके पारिवारिक दृष्टि से उसको भ्रमित किया जाए। फैसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ये अच्छा फैसला हुआ, ये न्याय, एक न्याय की जीत है। और इससे अब देश में इस तरह का माहौल बनेगा कि राजनेताओं की व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार की, चाहे कोई भी पार्टी हो, को व्यक्तिगत उसके ऊपर कोई टिकट करने से उसकी जमानत प्रार्थना पत्र 437 जाप्ता फौजदारी खारिज किया है और उसको न्यायिक कक्षा में जैसी में भेजने के आदेश पड़ेगा। कब तक कहा? 24/12/2019 तक बूंदी जेल में ही रही।